गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात्कार पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के किए जीव जात है रसातल को गुरु उपदेश से छूटे यम फंद थे। गोविंद के पैदा किए जीव यानी कि परमेश्वर के पैदा किए हुए जीव रसातल को जाते हैं, लेकिन गुरु उपदेश से मुक्त हो जाते हैं। गुरु जीवन में सो धारण करना चाहिए जो एक ब्रह्म से जोड़ दे, सब ग्रंथ पंथ छुड़ा करके ईश्वर से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सब ग्रंथ पंथ सब बातों से छुड़ा देता है क्योंकि इनमें ग्रंथों में मतभेद है, कई भ्रांति वाली बातें भी हैं जो उलझन में डाल देती है। उन ग्रंथों से सतगुरु छुड़ा देता है और एक ब्रह्म से नाता जोड़ देता है जिस पर कोई शंका नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो हाजिर हुजूर है जलता नहीं कड़ता नहीं भीगता नहीं, अजन्मा है अविनाशी है निराकार है निराधार है अखंड है अनंत है अजीर्ण है अजर अमर है। ऐसे परमात्मा से नाता जोड़ता है, ईश्वर से नाता जोड़ता है। ईश्वर करो हो या ब्रह्म कहो, ब्रह्म से जोड़ता है गुरु, भ्रमों में नहीं डालता, भ्रमों का नाश करता है। ऐसा ज्ञान देता है कि सारे भ्रम अपने आप ही छूट जाते हैं, सारे अंधविश्वास अपने आप ही छूट जाते हैं। ऐसे परमेश्वर से नाता जोड़ता है जिसके लिए अगरबत्ती फूल बत्ती इत्र की खुशबू कि यानी कि किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ऐसे गुरुदेव को मेरा लाख लाख प्रणाम है जो वाद विवादों से छुड़ा देता है। वाद विवाद कहूं से निकीजिए, रसना राम अमृत रस पीजिए। जो चित्तवृत्ति को शांत कर देता है, किसी पंथ से नहीं जोड़ता, किसी मजहब से नहीं जोड़ता, पार ब्रह्म से जोड़ता है, परमेश्वर से जोड़ता है। जीवन में ऐसा गुरु धारण करने योग्य है। बाकी अयोग्य ही कहे जाएंगे क्योंकि भ्रमों से नहीं छुड़ाते हैं। गुरु तंत्र मंत्र में नहीं बांधता है, गुरु परमेश्वर से नाता जोड़ता है। गुरु राग द्वेष मिटाता है, प्यार सिखाता है, मानवता सिखाता है। ऐसे गुरु को मेरा लाख लाख बार प्रणाम है जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया हो तो ऐसे गुरु की तलाश करें।
जो निरंकार से नाता जोड़ते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं समय अर्चना करता हूँ। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।